गदरपुर धनेशपुर मठकोटा मार्ग की जर्जर सड़क से किसी भी कांवड़िया को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ई रिक्शा चालकों द्वारा सड़क में बड़े बड़े गड्ढों को भरा गया है। आपको बताते चलें कि शिवरात्रि नजदीक है और दिनेशपुर क्षेत्र से हजारों से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ लेने हरिद्वार गए हैं और वहां से कांवड़ लेकर दिनेशपुर के शिव मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो वहीं गदरपुर दिनेशपुर मठकोटा मार्ग की सड़क से किसी भी कांवड़िया को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ई रिक्शा यूनियन की तरफ से बड़े बड़े गड्ढों को भरा गया है। इस दौरान ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष प्रसन्नजीत शाह ने कहा कि कांवड़िया जल लेकर हरिद्वार से यहां पहुंच रहे हैं और यहां आवाजाही बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुख्य मार्ग को सही किया गया है ताकि दुर्घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। तो वहीं ई रिक्शा चालक जगदीश कुमार ने कहा कि पिछले साल इसी सड़क में कई कांवड़ी की सड़क दुर्घटना का शिकार होकर घायल और मौतें हुई हैं और एक ट्रक में 4 या 5 सवारी जाते हैं और इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट जाती है जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम दुर्घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए गदरपुर दिनेशपुर मटका डामर के मुख्य सड़कों के गड्ढों को भर रहे हैं। कांवड़िया जल लेकर हरिद्वार से यहाँ पहुँच रहे हैं, यातायात भी बहुत, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस सड़क पर गुजर रही हैं, आप देख ही रहे हैं इसका क्या हाल है। तो इसीलिए हमने सोचा कि मेले से पूर्व यूनियन की ओर से हम श्रमदान करें और इस रोड को ठीक करें ताकि हम दुर्घटनाओं को रोक सकें। इसलिए ठीक कर रहे हैं, पिछले साल रामबाग के इसी मेले के टाइम में कई दुर्घटना यहाँ पे हुई है, कई लोग मारे भी गए हैं और कई लोग आज के डेट में कोमा में भी होंगे शायद। और जो भी है, एक एक टुक टुक में 4-5 जने करके जाते हैं, मेले में आते हैं और आने जाने के लिए गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि गाड़ी पलट भी सकता है जिससे दुर्घटना हो भी सकती है। इसलिए हम टुक टुक वालों ने रामबाग मेले कमेटी के अध्यक्ष को सूचना दिया था, उन्होंने कहा था हम बैठक करेंगे तब जाके पास होगा, तब जाके हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।